bit for top of that? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की प्रेस ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन। प्रारंभ में कुछ परिचय करवा रहा हूँ। आदरणीय श्री नरेंद्र जी ठाकुर भाइयों हैं, आप संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख हैं। 1992 से आप संघ के प्रचारक हैं। आप हिमाचल से हैं, आपका केंद्र दिल्ली है। श्रीमान आलोक जी उनके बाई ओर, आप अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख हैं। 1988 से ही आप मेरठ से, उत्तर प्रदेश से संघ के प्रचारक निकले। आपका केंद्र रांची है। श्रीमान अनिल कुमार जी इधर दाई ओर हैं, आप क्षेत्र के प्रचार प्रमुख हैं। 1991 से हरियाणा से ही आप संघ के प्रचारक हैं। आपका केंद्र दिल्ली है। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री पवन जी जिंदल भाइयों, आप हरियाणा प्रांत के माननीय प्रांत संघ चालक हैं। आपका निवास गुरुग्राम में है। आज हमसे जो बात करने वाले हैं आदरणीय श्री सुनील जी अंबेकर, आप अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं। आपका केंद्र भाग्यनगर हैदराबाद में है। आप 1990 से महाराष्ट्र से संघ के प्रचारक निकले। आज की प्रेस ब्रीफिंग में मैं श्रीमान सुनील जी अंबेकर से निवेदन करूंगा कि वो हम सबसे बातचीत करें। सभी को नमस्ते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिवर्ष अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है। इस वर्ष की ये बैठक 12, 13 और 14 मार्च को इसी परिसर में समालखा, जो पानीपत जिले में है, वहीं पर निर्धारित है। 12 तारीख को प्रातः ये प्रतिनिधि सभा का शुभारंभ होगा और 14 की शाम को इसका समापन होगा। प्रतिनिधि सभा में 1400 से अधिक, 1400 से ज़्यादा प्रतिनिधि अपेक्षित हैं, जिसमें संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सभी लोगों, जिसमें विशेषकर पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, माननीय सरकारेवा दत्तात्रेय जी होजबले, सभी सहसर कार्यवाह और इसके साथ ही कार्यकारिणी के सभी सदस्य और विविध संगठन के जो संघ प्रेरित स्वयंसेवकों द्वारा संचालित संगठन है, उनके कुछ चयनित प्रमुख पदाधिकारी भी यहाँ अपेक्षित हैं। इसके अलावा प्रांत के और क्षेत्र के माननीय प्रांत संघचालक, क्षेत्र संघचालक और कार्यवाह और प्रांत कार्यवाह, क्षेत्र कार्यवाह, इसके अलावा अन्य सभी पदाधिकारी यहाँ पर अपेक्षित रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय की दृष्टि से बैठक होती है। ये प्रतिवर्ष होती है, इस वर्ष यहाँ पर हो रही है। इसमें विशेषकर विश्व हिंदू परिषद से श्रीमान विनायक राव जी और श्रीमान आलोक कुमार जी उपस्थित रहेंगे। मजदूर संघ से श्री सुरेंद्र जी उपस्थित रहेंगे और हिरणमय पांड्या जी उपस्थित रहेंगे। विद्या भारती से दोषी रामकृष्ण राव और गोविंद महंती जी उपस्थित रहेंगे। ऐसे विभिन्न सभी संगठन से भी यहाँ पर प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहने वाले हैं। बीजेपी से श्री नड्डा जी और श्री बीएल संतोष जी भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। लगभग सभी 34 संगठनों के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहेंगे। विशेषकर 3 दिन के इस प्रमुख बैठक में संघ के कार्यस्थिति जो होती है, संघ की जो मूल शाखा होती है, उस शाखा के कार्य विस्तार और उसके संचालन के बारे में यहाँ समीक्षा वृत्त भी आएगा और समीक्षा भी होगी। ये प्रतिवर्ष हम इसकी योजना भी बनाते हैं और उसकी वृत्त आता है और समीक्षा भी होती है और आगे की योजना बनती है।
इस बार विशेषकर संघ के आने वाले 2025 में 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। इस निमित्त विशेष कार्य विस्तार की योजना, शताब्दी निमित्त कार्य विस्तार योजना ऐसी बनी थी। 2021-22 और 22-23 ये 2 वर्ष उस योजना के अभी पूर्ण हो रहे हैं, तो इस दृष्टि से इसके भी वृत्त यहाँ पर आएगा। और विशेषकर कार्य विस्तार के दृष्टि से जो विशेष योजना बनी है उसकी भी समीक्षा होगी। अगला जो वर्ष है 23 और 24, इसमें उस योजना को पूर्ण करना है, तो उस दृष्टि से कैसे और अधिक तरीके से कर सकते हैं। नए नए प्रयोग कई प्रांतों ने इसके लिए किए हैं, कई सारे लोग विस्तारक बनकर, प्रवासी कार्यकर्ता बनकर इसके लिए नए नए जगहों पर गए हैं, तो नए लोगों से जुड़ना, उनको संघ कार्य के बारे में बताना, संघ कार्य से उनको जोड़ना, ये सारे अनुभव भी यहाँ पर सभी प्रतिनिधि आपस में एक दूसरे को अनुभव देंगे और उसके लाभ लेकर इस योजना को हर एक प्रांत आगे कैसे बढ़ा सकता है इसके बारे में भी विचार विमर्श होगा। प्रतिवर्ष संघ के प्रशिक्षण का कार्य चलता है और प्राथमिक वर्ग, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, तो ये सभी वर्गों की योजना भी यहाँ पर अभी बन रही है और इसका निश्चित निवेदन भी यहाँ पर होगा। बाद में आपके पास पूरा उसका विवरण भी प्राप्त आपके सामने रखा जाएगा। प्रस्ताव भी होंगे इस कार्यकारिणी में। कल हमारे अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक यहाँ पर होगी 11 तारीख को, उसमें प्रस्तावों के बारे में चर्चा होगी और उसके बाद प्रतिनिधि सभा, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के सामने किन विषयों पर प्रस्ताव होना है उनको अनुमोदित किया जाएगा, तो उसकी भी आपको जानकारी बाद में दी जाएगी। वास्तविक रूप में लगा जब भी सारे कार्यकर्ता एकत्रित आते हैं तो वर्तमान परिस्थिति के बारे में, उनके जो ज़मीन के अनुभव है उसके बारे में वो अपनी बातें यहाँ पर रखते हैं और उसकी समीक्षा भी यहाँ पर होती है। उनमें से फिर जो कुछ मुद्दे होते हैं जिन पर आगे कुछ और कार्य होने चाहिए इसके बारे में भी विचार विमर्श होता है। इस बार विशेषकर शाखा कार्य के बारे में कई जगहों पर यह आग्रह किया गया था कि शाखा वास्तव में सामाजिक परिवर्तन का केंद्र है और शाखा के जो स्वयंसेवक है वो अपने परिसर जो है, जिस परिसर के लिए वो शाखा लगती है उसका सामाजिक अध्ययन करते हैं, तो ये विशेषकर ऐसा सामाजिक अध्ययन पुनः एक बार विशेष तौर पर पिछले वर्षों में किया गया, तो उसके आधार पर कई सारे कार्य भी शाखा ने अपने सामाजिक परिस्थिति को देखकर अपने अपने क्षेत्र में किए हैं, तो विशेषकर उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। और जहाँ खास विशेषकर स्व आधारित कैसे हो सकता है, समरसता का वातावरण कैसे बन सकता है, स्वावलंबी बनने के लिए क्या क्या नए काम किए जा सकते हैं, जहाँ कहीं सेवा की ज़रूरत है वो कैसे किए जा सकते हैं, ऐसे कई सारे विषयों पर वो शाखा के जो कार्यकर्ता है वो अपने क्षेत्र में जब अध्ययन करते हैं तो उसके आधार पर वो ये नए नए उपक्रम अपने शाखा के अंतर्गत तय करते हैं, तो ये संघ की विशेष रूप पर जमीन पर कार्य करने की एक विधि है और जिससे शाखा अपने क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन का केंद्र बनती है। इस पर विशेषकर यहाँ पर कुछ विशेष वक्तव्य भी आएंगे। हम सभी जानते हैं कि हम हरियाणा में हैं और महर्षि दयानंद जी, उनके 200 वर्ष, उनके हम जानते हैं कि 12 फरवरी 1824 को उनका जन्म हुआ था, तो उस हिसाब से ये वर्ष जो है वो 200 वर्ष शताब्दी के मनाए जा रहे हैं, 200 वर्ष मनाए जा रहे हैं उनके जन्म के, तो उस निमित्त यहाँ पर वक्तव्य भी होगा और उसके बारे में कुछ योजनाएं भी बनेगी। साथ ही भगवान महावीर जी के निर्वाण महोत्सव ये मनाया जा रहा है, तो अभी आने वाला वर्ष जो होगा यहाँ से प्रारंभ होगा वो उनके निर्वाण का महोत्सव का वर्ष है, तो उस दृष्टि से भी यहाँ पर चर्चा होगी और उसके बारे में एक विशेष वक्तव्य भी आएगा और उसके बारे में कुछ योजना भी बनेगी, तो ऐसे कई विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी। और विशेषकर नागरिक कर्तव्य कैसे सामान्य लोग कर सकते हैं, उस दृष्टि से स्वयंसेवक जो है अन्य अन्य संस्थाएं लोग उनसे संपर्क करते हैं और उनके साथ मिलकर कई प्रकार के कार्य करते हैं, जिसमें पर्यावरण के कार्य होते हैं, जिसमें धार्मिक आध्यात्मिक कार्य होते हैं,
तो ऐसे कई कार्यों के बारे में भी यहाँ पर विचार विमर्श होगा और पिछले कार्यों की समीक्षा भी होगी। तो सामान्यतः अगले परसों जो 12 तारीख को जो प्रतिनिधि सभा आरंभ होगी, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, उसमें इन विषयों पर चर्चाएं होने वाली है और समय समय पर आपको जो विषय वहाँ पर आएंगे उसके बारे में अवगत भी कराया जाएगा। और विशेषकर अंतिम दिन में 14 तारीख को माननीय सरकारवा प्रेस को संबोधित भी करेंगे, उस समय और विस्तार से बैठक के सारी जानकारी वो आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। हाँ जी जी, आलोक कुमार जी भी इस बैठक में रहने वाले हैं जी, तो उन्होंने भी हाल में भी बयान दिया है कि देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है इसके लिए मुस्लिम जिम्मेवार हैं, तो क्या जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी कोई चर्चा होगी, कोई प्रस्ताव आएगा ऐसा माना जाए? ऐसा है, कई विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी और जब सारे प्रतिनिधि आते हैं कार्यकारी मंडल में तो वो अपने अपने अनुभवों के आधार पर या वो कई सारे विषय यहाँ पर उठाते हैं और सारे लोग मिलकर चर्चा करके, क्योंकि सभी विषयों पर तो प्रस्ताव नहीं आएगा, तो कोई एक दो विषयों पर यहाँ पर निश्चित रूप से प्रस्ताव आएगा। अभी स्वाधीनता के जो अमृत महोत्सव हुआ है, आने वाले समय में अमृत काल भी है, आने वाले समय की दृष्टि से उस पर भी यहाँ पर विचार होगा और पूरे देश भर में क्या कार्य होने चाहिए इसके बारे में भी चर्चा यहाँ पर होगी। जैसे मैंने कहा अभी, वही जवाब है कि बहुत जितने भी सारे विषय आप, कई सारे विषय यहाँ प्रतिनिधि अपने अनुभव के आधार पर उठाते हैं और फिर उस पर विवेचना होने के बाद ही आगे का दिशा बनती है। सर, आपने कहा किसी एक दो विषय पर प्रस्ताव आएगा, तो क्या ये चर्चा के बाद तय किया जाएगा? हाँ, कार्यकारी मंडल में, कार्यकारी मंडल जो होता है उसमें चर्चा होती है, अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल, और उसके बाद जो जिनका अनुमोदन होता है वो विषय फिर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के सामने प्रस्ताव के रूप में रखे जाते हैं। ठीक है, संघ में प्रस्ताव पारित होते हैं, प्रस्ताव की जो अहमियत है उसको लेकर कुछ आप बता सकते हैं, या फिर 70-75 साल की यात्रा में कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव जिन पर काम किया गया? नहीं, संघ में जो भी प्रस्ताव आते हैं वो सामाजिक विषयों पर आते हैं, कि जैसे प्रस्ताव सामाजिक समरसता के संदर्भ में प्रस्ताव आया, पूजनीय सरसंघचालक जी ने उसके बारे में बाद में वक्तव्य भी दिया कि सभी जगहों पर समान या सामूहिक मंदिर, सामूहिक जल का स्थान, सामूहिक स्मशान होना चाहिए। तो ऐसे जो भी विषय प्रस्ताव में आते हैं, कभी वो राष्ट्रीय सुरक्षा के होते हैं, तो जो भी विषय आते हैं फिर सारे स्वयंसेवक मिलकर समाज के साथ जुड़कर जागरण के कार्य हाथ में लेते हैं और समाज के साथ मिलकर उनको उचित दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे कई सारे विषय हैं, मतलब कभी विस्तार से इस पर बात हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद आपका। सब यहाँ पर आए, आप सबका धन्यवाद। बाहर भोजन है।